नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 News। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। यूपी के फतेहपुर जिले में रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं मिठाई की दुकानों में मिठाई खरीदने को लेकर के भाइयों एवं बहनों का तांता लगा हुआ है। बाजार में राखी की दुकानों में बहनों की भीड़ लगी हुई देखने को मिल रही है। वहीं रंग बिरंगी राखियां को खरीदने के लिए बहनें उत्साहित हैं। भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधने को लेकर बहनें महंगी से महंगी राखियां खरीद रही हैं। बाजार में तरह तरह की मिठाइयों से सजी दुकानें जगमगाती हुई दिखाई दे रही, जिसमें पिस्ता रोल, काजू की बर्फी, काजू की जलेबी, खरबूजा, आंवले के लड्डू तथा बर्फी लेने की होड़ मची हुई है। फतेहपुर जिले के ITI रोड स्थित अमित रेस्टोरेंट व जिले का फेमस माया श्याम होटल, रामा स्वीट एंड रेस्टोरेंट, मुखलाल स्वीट हाउस, GT रोड स्थित प्रतिष्ठानों में ग्राहकों की भीड़ देखने को मिल रही। वहीं कुछ होटल संचालकों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जहां जगह जगह पर छोटी मोटी दुकान खुली हुई है जिसमें मिलावट युक्त सामान बिक रहा। इन प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों के संचालकों ने बताया कि उनकी प्रमाणित दुकान है और 50 वर्षों से मिठाई का काम ही करते हैं, जिसमें शुद्ध देशी घी की बनी हुई मिठाइयाँ लोग आकर खरीद रहे हैं। वहीं अमित रेस्टोरेंट में इस रक्षाबंधन के त्यौहार पर 10% की भारी छूट हर प्रकार की मिठाई पर रखी गई है। संस्थान है और क्या यहाँ पर मिठाइयों में बिक रहा है? ये मुखलाल स्वीट हाउस है, हम उसके प्रोवाइडर संतोष कुमार गुप्ता हैं। आज हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी की बालूशाही, शुद्ध देसी घी की सोहन पापड़ी, काजू की बर्फी, काजू की जलेबी, दूध की बर्फी, शुद्ध देसी घी का काला जाम, मेवा बाइट, मेवा छुआरा। क्या चलन चल रहा है रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर के, ग्राहकों की क्या स्थिति है अभी यहाँ पर? ग्राहकों की स्थिति बहुत अच्छी है, इससे बड़ा उत्साह है यहाँ पर सामान लेने में, बहुत उत्साह है, सब खरीदारी। बहनें ज़्यादा आ रही हैं या भाई ज़्यादा आ रहे हैं? बहनें ज़्यादा आ रही हैं, बहन ज़्यादा आती है। अब प्रतिष्ठानों की अगर बात की जाए तो बहुत प्रतिष्ठान ऐसे हैं जहाँ पर की बड़ी मिलावट की मिठाई मामले सामने आ रहे हैं, यहाँ पर जो है ग्राहक संतुष्ट देखा जा रहा है, क्या कुछ है आपके यहाँ? हमारे यहाँ खुद दूध आता है, यहाँ खुद खोया किया जाता है, खुद ही दुकान में ही खोया किया जाता है और दुकान से ही सब प्रशिक्षित मिस्त्री हैं, यहाँ के कारीगर हैं, शुद्ध बिल्कुल शुद्ध सामान दिया जाता है। कैसी बिक्री चल रही इस समय? बिक्री बहुत अच्छी है। क्या परिचय है आपका? संतोष कुमार गुप्ता जी। भैया जी, मैं फतेहपुर में सत्यम शुक्ला ITI रोड पे अमित स्वीट एंड रेस्टोरेंट का मैनेजर। आप सभी लोगों के लिए हमारे यहाँ पे रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर और जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मिठाइयों पर 10% का भारी छूट आपके लिए है। और उसके अलावा हमारे यहाँ देसी घी की शुद्ध मिठाइयाँ भी निर्मित है, और हमारे यहाँ AC हॉल है रेस्टोरेंट में, और अच्छी व्यवस्था के साथ में, अच्छी सर्विस के साथ में, सभी कारीगर भी अच्छे हैं, बाहर के हैं, और अच्छा खाना भी है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो एक बार जो नहीं आए हैं वो हमारे यहाँ आकर ज़रूर हमारे खाना और मिठाइयों का ज़रूर एक बार स्वाद लें। ये ऑफ़र आपका कब तक चल रहा है? ये हमारा जो ऑफ़र है ये हमारा आज से लेकर जन्माष्टमी तक उपलब्ध है जी। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, किस प्रकार से आपके यहाँ मिठाइयाँ बिक रही हैं और क्या ऑफर रखा गया है? पहले तो सभी बहनों भाइयों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारे यहाँ हर साल तरीके साल भी एक ऑफर रखा गया है कि रक्षाबंधन के हर डिब्बे की मिठाई पे एक राखी फ्री है बहनों के लिए, सिर्फ बहनों के लिए, जो बहन मिठाई लेने हैं उनके लिए फ्री है बिल्कुल, पूरी तरह से हर डिब्बे में मिठाई। किस तरीके की मिठाइयों का चलन है हमारे इसमें? देसी की मिठाइयाँ, आप शुद्ध देसी की मिठाइयाँ मिल रही हैं, जैसे आपको मिल जाएगा घेवर, मिल जाएगा बालूशाही, मिल जाएगी और तरह तरह के लड्डू मिल जाएंगे, पंचमेवा लड्डू शुगर फ्री मिल जाएगा, खजूर लड्डू शुगर फ्री में, काजू बर्फी एकदम स्पेशली काजू बर्फी बाजार से बहुत सस्ते रेट में ना और सिर्फ 900 रुपये किलो में रखी गई है, और शुद्धता का पूरा ख्याल रखा गया है कि किसी कस्टमर को कोई भी शुद्धता में तकलीफ ना हो पाए। व्रत और उसको लेकर के किस तरीके की? दूध बर्फी है, मिल्क केक है, रसमलाई है, बहुत से आइटम उनके लिए भी है। ये कहाँ पर दुकान है और ये? ये हमारी दुकान माया श्याम स्वीट एंड रेस्टोरेंट पटेल नगर चौराहा फतेहपुर में है, और कस्टमर की फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे यहाँ कस्टमर की सुविधा है कि कस्टमर को क्या सुविधा ज़्यादा दी जा सके और शुद्धता दी जा सके।
क्या परिचय है आपका? मेरा नाम राजकुमार गुप्ता है, मैं यहाँ संचालक हूँ।